हेलो स्टूडेंट, हमने रिव्यू क्वेश्चन कर लिया था चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम जा रहे हैं थिंक टैंक करने। थिंक टैंक का पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फॉर दिस रिएक्शन राइट द केमिकल इक्वेशन, केसी एक्सप्रेशन एंड यूनिट्स ऑफ केसी। पहला इसका कॉम्पोनेंट क्वेश्चन था ब्रोमीन क्लोराइड BrCl डिकम्पोजेस टू फॉर्म द क्लोरीन एंड ब्रोमीन। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, इक्वेशन बनाएंगे तो हमें पता है कि जब ब्रोमीन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में होती है, क्लोरीन भी डायटोमिक फॉर्म में, ठीक है, Br2 और Cl2। तो हमें जो मॉलिक्यूल चाहिए होगा वो दो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा ब्रोमीन क्लोराइड का, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, ब्रोमीन क्लोराइड डिकम्पोजेस इंटू ब्रोमीन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल। सेकंड पार्ट था केसी एक्सप्रेशन हमें लिखनी है। तो हमें पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट जो है वो ब्रोमीन और क्लोरीन है और हमारा रिएक्टेंट जो है ब्रोमीन क्लोराइड है। तो ये हमने केसी की वैल्यू निकाल ली। अब यूनिट, यूनिट में देखिए मैंने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ टाइम कॉम्पोनेंट है या उसका जो मोल रेशियो वो हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में जो है हमें हमारे पास ब्रोमीन क्लोराइड जो है, ठीक है, ब्रोमीन क्लोराइड जो है वो दो हमारे मॉलिक्यूल मिलता है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट की सूरत में ये मोल रेशियो निकाल लगा दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं बचेगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं बचेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है थिंक टैंक का, केसी एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन बिलो। हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रो टेट्रोक्साइड का हमें केसी निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसके केसी निकालेंगे। केसी हमारे पास ये आ जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हमें पता है प्रोडक्ट हमें जो है वो नीचे लिखा होता है, तो हमने प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दिया और रिएक्टेंट हमारे नीचे वो आगे होता है, ऊपर होता है, तो हमने ये लिख दिया। तो इस केसी की मदद से हमने केमिकल इक्वेशन लिख दी है। अब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट कौन सा है, वो रिएक्टेंट है डाई नाइट्रो टेट्रोक्साइड, और प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि ऊपर लिखा हुआ होता है वो है, दो हमें मॉलिक्यूल मिले हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। जब केसी हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे तो हम रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, उसका नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के हैं और एक मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्टेंट का है। तो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर हमारे पास यूनिट बन जाएगा जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो एक इक्वेशन का हमारे पास यूनिट आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लाइकली टू बी फाउंड व्हेन द रिएक्शन अपीयर्स टू बी कम्प्लीट। इसमें से कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा जब रिएक्शन कम्प्लीट हो गया, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अब ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होती है, और हमारे पास रिएक्शन जो बनेगा वो रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनेगा रिएक्शन के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये रिवर्सिबल नहीं है, एरो से भी आपको पता चल जाएगा, और वैसे भी दोनों जो है एक सॉलिड स्टेट में है एक गैसियस स्टेट में है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है। इन दिस रिएक्शन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। इन इरिवर्सिबल रिएक्शन द टेंडेंसी ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेगलिजिबल। अब इसके अंदर टेंडेंसी हो ही नहीं सकती कि वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। देयरफॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर लाइकली टू बी फाउंड व्हेन द रिएक्शन अपीयर्स टू बी कंप्लीट। तो हमें क्या होगा, हमें रिएक्टेंट भी हो सकता है थोड़ा सा मिल जाए, हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा, जैसी इक्वेशन लिखिए इसी तरह से हमें मिल जाएगा। ये वापस कन्वर्ट नहीं होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो हमारा था हाइड्रोजन फ्लोराइड था, जो कि डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो हमें यहाँ पे डबल एरो नज़र आ रहा है, इट मीन्स इट इज रियली रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल, राइट। अब दिस रिएक्शन इंडिकेट द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इंटू हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। इन दिस रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन अकर टू मेजरेबल एक्सटेंट। ये दोनों तरफ से होता है और हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि दो मॉलिक्यूल है, दो मोल है, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोजन
गैस मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगा और रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलेंगे और दो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के बना लेंगे। ओके नाउ अगर हम इसको फर्दर देखें इस रिएक्शन को, तो हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन बना रहे हैं। तो रिएक्शन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। अ केमिकल रिएक्शन इन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू बी चेंज। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो उस वक्त इस्टेब्लिश होता है जब फर्दर जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में चेंज नहीं आता। ठीक है, द डायरेक्शन विच राइट द केमिकल रिएक्शन सिंथेसाइज फॉर द हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सिंथेसाइज कर रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, और इसके अंदर डिसोसिएशन हो रही है, यानी हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बना रहे हैं। रिप्रेजेंट द सेम केमिकल रिएक्शन सिस्टम इन विच द रोल ऑफ द कॉम्पोनेंट आर रिवर्स्ड एंड बोथ यील्ड ऑफ सेम मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनेंट व्हेन द चेंज इज कम्प्लीटेड। और ये क्या होगा, दोनों तरह का हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देगा एट अ टाइम, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। राइट, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका फिर फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म्स पिंक क्रिस्टल। राइट, ये हेक्सा हाइड्रेट होता है व्हेन दे आर हीटेड विद वाटर इज इवॉल्व। जब हम उसको हीट करेंगे तो ये 6 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, एंड दे फॉर्म टर्न ब्लू कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड, और ये कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यू कैन यूज कोबाल्ट क्लोराइड एज टेस्ट फॉर वाटर ऑल्गी। अब आपको ये बताना है कि ये तो इन्होंने इक्वेशन दे दी, ये हाइड्रेटेड था जो कि पिंक कलर का था और ये ब्लू कलर का है वो एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए। आप बहुत से ओवन में रख के इसको ड्राई कर सकते हैं, आप हीट करके कर सकते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ब्लू कलर का शो करेगा, और अगर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किया हुआ होगा, हेक्सा हाइड्रेटेड होगा, तो वो पिंक कलर का। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या आप इसको एज अ वाटर टेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अब हम देखते हैं केमिकली क्या है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट पेपर टर्न पिंक व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू वाटर और मॉइस्चर। ये क्या होगा, पिंक हो जाएगा जब उसको वाटर के सामने लाया जाएगा या वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। द ब्लू फॉर्म इज कोबाल्ट क्लोराइड डिहाइड्रेट। ये डिहाइड्रेट किया जाएगा जब उसको, तो ये ब्लू कलर का। द पिंक कलर इज कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, और जब यह वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा हेक्साहाइड्रेटेड बन जाएगा तो ये पिंक कलर का। यानी एनहाइड्रस है तो ब्लू और हेक्साहाइड्रेटेड है तो पिंक। एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इज ब्लू एज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर इट स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसपिक। और जैसे ही उसको वाटर मिलेगा वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है अगर हम इसको दोबारा ड्राई करें तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा। सो इफ वी आर यूजिंग इट कीप आउट ऑफ एयर अंटिल यू आर रेडी टू यूज एंड डोंट टच योर हैंड बिकॉज द मॉइस्चर ऑन योर फिंगर वुड चेंज द आउटकम ऑफ योर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए, मॉइस्चर डिटेक्ट करने के लिए और मॉइस्चर को मालूम करने के लिए कि मॉइस्चर वहाँ पर मौजूद है या नहीं। ओके, थैंक यू।